तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अरुणा सोनवने के वाग स्कूल सरस्वती नगर नासिक में हिंदी विषय अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, इस साल हिंदी यह विषय आपके लिए नया है। हिंदी विषय को और भी दृढ़ बनाने के लिए इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है। हिंदी बाल भारती यह किताब आपको पढ़ने के लिए है। इस पाठ्य पुस्तक की रचना के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न पाठ, बाल कविताएँ, बड़बड़ गीत दिए गए हैं और ये बाल कविताएँ, बड़बड़ गीत आप सामूहिक रूप से गा सकते हैं और चित्र युक्त कहानियाँ, आप चित्रों को पहचान कर कहानियाँ बना सकते हो, अपने मित्र परिवारजनों को बता सकते हो, यानी सहजता से आप हिंदी सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं विषय सूची की तरफ। विषय सूची में चार इकाइयाँ आपको दी गई हैं, जैसे पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी तथा चौथी। हर इकाई में 10-10 पाठ तथा कविताएँ हैं, विभिन्न खेल तथा पहेलियाँ हैं, जिसके माध्यम से आप वाचन, लेखन, संभाषण कौशल्यों का विकास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला पाठ है पहला दिन। अब यह पहला दिन आपका जन्मदिन भी हो सकता है तथा पाठशाला का पहला दिन भी हो सकता है। बच्चों, पाठशाला का पहला दिन आप सबको याद ही होगा, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे मुख्य द्वार पर गुब्बारे लगाए जाते हैं, शिक्षक पूर्ण पुष्प देकर आपका स्वागत करते हैं, आप कतार में चलकर पाठशाला में आते हैं तथा वर्ग शिक्षक आपकी कक्षाओं में आपका स्वागत करते हैं, कक्षाएं सजाई जाती हैं, आपके मनोरंजन के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। बच्चों, इसी प्रकार की चित्रकृति में भी एक पाठशाला का वर्णन दिखाई देता है, जैसे आदर्श प्राथमिक पाठशाला, इसमें भी शिक्षक गण यहाँ पर खड़े है, बच्चे पाठशाला में आ रहे हैं, उनका स्वागत शिक्षक कर रहे हैं, उसके बाद घुल मिलकर बच्चे अपने कक्षाओं की तरफ जा रहे हैं। इस चित्रकृति के जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ प्रतिकृतियाँ बनाई हैं पाठशाला की, जैसे आदर्श पाठशाला, आदर्श प्राथमिक पाठशाला, यहाँ पर भी शिक्षक विद्यार्थी पाठशाला में आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तो इस प्रकार यह प्रतिकृतियाँ आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। बच्चों, आगे चलते हैं चित्र वर्णन की तरफ। शिक्षक बच्चों के स्वागत के लिए गुब्बारे लेकर भी खड़े हैं तथा यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ दी गई है। सीढ़ियाँ यानी उन सीढ़ियों से हमें कुछ सीखना है, जैसे पहली सीढ़ी है अनुशासन बनाए रखो। अनुशासन यानी क्या? अनुशासन यानी पाठशाला द्वारा बनाए गए नियम। अब वो नियम कौन कौन से होते हैं? जैसे कतार में चलो, कक्षा में शांति बनाए रखो, अपना काम समय पर करो। तो इस प्रकार की जो नियम आपको बताए जाते हैं उनका पालन आपको करना है। आगे है दाएं बाएं देखकर चलो। आप लोग क्या करते हो पाठशाला में आते वक्त या घर जाते वक्त, दोपहर में, मध्याह्न में, जब आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है कि एक दूसरे से भागा दौड़ी कर आप टकरा जाते हो। तो ऐसा ना हो, आपको कतार में चलना आवश्यक है तथा दाएं बाएं देखना भी आवश्यक है। अगला विचार यह है कि जल है तो कल है। हमें जल यानी पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। आप स्वच्छता गृह की तरफ जाते हो, मध्याह्न की छुट्टी में आप जाते हो, तो पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। जल की बचत हम करेंगे तो तभी वह हमें भविष्य में काम आएगा। उसके बाद आगे का सुविचार पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पर लगाकर आपको पढ़ाई करनी है और अपना भविष्य बनाना है। तो इस प्रकार सीढ़ियों का महत्व यहाँ पे समझाया गया है। यही सुविचारों का अनुकरण हमें अपने जीवन में भी करना है। आगे शिक्षक यहाँ पर बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, पहली कक्षा के बच्चे यहाँ पर कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद अन्य कर्मचारी स्कूल का झंडा बजा रहे हैं। उसके बाद डिजिटल कक्ष, यह एक नया कक्ष यहाँ पे दिया गया है। यह कौन सी कक्षा होती है? जैसे कि संगणक कक्ष हम इसे कहेंगे। क्या वह जमाना नहीं था कि जहाँ पे सिर्फ शाम पट हो या खड़िया
ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आज डिजिटल का जमाना है यानी इंटरनेट संगणक का इस्तेमाल हमें करना है, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। इसीलिए हर स्कूल में संगणक कक्ष होना बहुत आवश्यक है। और स्वच्छता गृह के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, तो उसकी भी उसे भी साफ सुथरा रखना, कक्षा को साफ सुथरा रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से आपको नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं और उसका आपको पालन करें।